मजेदार कॉर्न कोफ्ता, ये बहुत ही मजेदार समोसा। अस्सलाम वालेकुम, टेस्ट द बेस्ट में मेरा सलाम कबूलो। आज आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी लेके आई हूँ और बहुत टेस्टी, ब्रेड के साथ, जिसको आप जब चाहे स्नैक बना सकते हैं और मज़ेदार पिज़्ज़े की तरह। तो आज ब्रेड की मैं बनाऊंगी कॉर्न, और इसमें तिक्का जो है स्पाइसी तिक्का, जैसे आप लोग पिज़्ज़े पे लगाते हैं वैसे मैं स्पाइसी तिक्का इसके अंदर जो है डालूंगी और इसको फ्राई करूंगी, और बहुत ही मज़े का इसको खाएंगे तो बिल्कुल पिज़्ज़े का टेस्ट देगा आपको। तो इसके लिए मैं स्लाइसेस नहीं है, तो इसको मैं जो है एक एक करके इसकी कॉर्न बनाती हूँ। मैं ग्रेवी बना रही हूँ, इसमें मैंने एक स्मॉल ऑनियन डाला है और हाफ कैप्सिकम, और 1 स्पून जो ऑयल में इसको मैंने 1 पिंच और जो है वो सॉल्ट डाला है, और हाफ स्पून जो है वो ब्लैक पेपर। स्पाइसेस आप लोग अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी इसमें रख लें, अगर और नमक भी अपने हिसाब से जितने मर्ज़ी डालनी है। देखिए मैंने इसमें ये चिकन डाल दी है, और ये साथ एग है, फ्राई एग है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े की ये ग्रेवी बनेगी और बहुत मज़े के ये कॉर्न समोसा होगा, ये बिल्कुल पिज़्ज़े का टेस्ट देगा आपको। ये रेडी हो गई है, अब इसमें मैं डालूँगी 1 स्पून जो है वो टिक्का मायो, बहुत अच्छा टेस्ट देगा ये, और 1 टेबल स्पून जो है वो चिकन मायो, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, बहुत अच्छा, बहुत मज़े की ये बनने वाले हैं समोसे, अभी कॉर्न समोसा, और जो बिल्कुल पिज़्ज़े का टेस्ट देगा। तो ले जी, हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है, अब इसको हम समोसों में डालते हैं। या ब्रेड के मैं बनाऊंगी कॉर्न। ये मैंने एक ब्रेड ली है, इसके भी मैंने किनारे नहीं काटे। पहले मैं इसको लाइट सा बेलूंगी, हल्के हल्के हाथ से इसको बेलते जाएं। इसको इसी तरह हल्के हल्के हाथ से आपने बेलना है। बहुत अच्छी ये कॉर्न बनती है और बनेगी, और बहुत अच्छे समोसे और पिज्जे की तरह बनेंगे, इसका टेस्ट बिल्कुल पिज्जे की तरह होगा। ये देखिए यह परफेक्ट हो गई है, अब इसको मैं साइड से काटूंगी। अब ये इसको साइड से मैं अब काटूंगी इसके किनारे।
इसके किनारे जो हैं वो जब आप इसको करते हैं ना, प्लेन करते हैं, तो ये खुद ही उतर जाते हैं। अब मैं यहाँ से हल्का से इसको प्रेस कर दूंगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। इसको मैं सारा ही पिज़्ज़ा सॉस लगा दूंगी हल्का सा। और ये जो मैंने मसाला बनाया था ये मैं इसमें रखूंगी, ये टिक्का मसाला। अब इसको मैं कॉर्न की शक्ल दूंगी। इस तरह ये कॉर्न बनेगी। इसको मैं बंद करती हूँ। ये देखें, ये कॉर्न की शक्ल में मैंने इसको बनाया। अब यहाँ पे मैं चीज़ रख दूँगी। इधर मैं ये चीज़ रख रही हूँ। अब ये ऊपर से मैं हल्का सा पानी लगा के इसको बंद कर देती हूँ। ये देखें, बिल्कुल कॉर्न की तरह ये बन गए, बहुत मज़ेदार। और मैं ये बना के पहले इसको रख लेती हूँ, इसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स लगाती हूँ। इसी तरह दूसरा स्लाइस भी मैं बना लेती हूँ। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें भी मैं थोड़ी सी पहले पिज़्ज़ा सॉस डालूंगी। बहुत हल्की सी डालनी है आपने इसके ऊपर। ये हमारा समोसा पिज़्ज़ा है और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, बहुत अच्छा। और ये जिस तरह पिज़्ज़े के ऊपर आप सारी शेयर लगाते हैं, कैप्सिकम, प्याज, सब चीज़ें इसके अंदर हैं। और ये टिक्का है साथ, ये मैंने इसको पीसा नहीं है, ये टिक्के की तरह है। इसको इस तरह सेट करके ये लास्ट में भी आप चीज़ रख सकते हैं यहाँ पे भी। अब यूँ आपने टर्न करना, इसको अच्छी तरह चीज़ को अंदर दबा दें। ये टर्न करके, ये यहाँ से टर्न है, यहाँ से नीचे से अच्छी तरह से कॉर्नर पे ऐसे टर्न करना है आपने। ये देखें इस तरह, ये मेरी दूसरी कॉर्न भी तैयार हो गई है।
इसी तरह आप बनाएं इसको, बच्चों के लिए बनाएं। ये एक डिफरेंट किस्म का पिज़्ज़े का टेस्ट देता है। और ये कॉर्न टाइप तो आप बनाएंगे ना इस तरह समोसा, तो ये वो तो बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। ये देखें आप इसको इस तरह करके, इसको आपने इस तरह बंद करना है। इसको मैं हल्का सा, इसको चाहे पानी लगाएं तो चाहे एग लगा के, अगर आपसे बांधना हो तो एग लगा के इसको बंद करने। ये देखें कितनी अच्छी कॉर्न, बिल्कुल कॉर्न की शेप बनी है। अब इसके लिए ब्रेड क्रम्स मैंने इसमें डाले हैं, 1 एग ली है, ये एग में मैं 1 पिंच ओनली इसमें नमक डाल रही हूँ, सॉल्ट। अब ये कॉर्न जो है वो मैं एग में डालूंगी, इस तरह एग में अच्छी तरह इसको लगा लें। ये ब्रेड क्रम्स में रखूंगी इसको। इसको अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स लगा लें और बढ़ के बहुत आराम से इसको लगाने हैं कि टूटे ना। बहुत ही मज़े की ये कॉर्न समोसा बनेगा, पिज़्ज़ा। ये देखें ये कॉर्न जो है हमारी तैयार हो गई हैं। ये देखें मैंने 2 कॉर्न को ये लगा के तो आपको दिखाया है कि अगर आप इस तरह प्लास्टिक रैप में इसको पैक करके रख दें तो ये 1 वीक और 2 वीक के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको इसी तरह क्रंच लगा के इस तरह पैक करके रख दें तो जब आपका दिल चाहे तो आप इसको निकाल लें। ये देखें ऐसे ऐसे पैकिंग करनी है इसकी। ये रेडी हो गई हैं कॉर्न, अब मैं इनको फ्राई करूंगी। ये बहुत लो ना मीडियम फ्लेम पे इसको बनाना है। ये ऑयल हल्का सा गर्म होता है तो मैं इसमें डालती हूँ। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है, देखिए फ्राई हो रहे हैं, बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं।
बहुत मज़े के क्रिप्सी बनेंगे। अब बच्चे तो खासकर इसको बहुत पसंद करेंगे। इसमें पूरा आप टेस्ट करें, मैं आपको टेस्ट तो नहीं करा सकती, लेकिन जब आप टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल पिज़्ज़े का टेस्ट देगा ये, क्योंकि मैंने टोटली पिज़्ज़े की जो ना इसमें थिंग्स लगाई हैं। इसको इस तरह साइड पे करके, तो साइड से भी आप ब्राउन कर लें। ये रेडी हो गए, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही मज़े का, बहुत ऊपर से क्रंची बना है। ये देखिए कितना अच्छा है, अच्छे ये कॉर्न बनी है और बिल्कुल ब्रेड पिज़्ज़े की तरह, और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होगा। ये टमाटो गार्लिक के साथ बहुत अच्छा टेस्ट देगा। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी बनाइएगा, और बच्चे तो खासकर ये बहुत मज़े से खाएंगे। ये स्नैक्स है जो होंगे नून टाइम, आप लोग इसको टी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मेहमान आए तो तब भी बना सकते हैं। और इसके ये देखें, ये आपको आवाज़ आ रही होगी किस कदर ये ऊपर से कुरकुरा है और अंदर से सॉफ्ट। ये देखें कितना जूसी बना है, इसमें चीज़ और मायो डाली हुई है, बहुत जूसी, बहुत मज़े का। आप लोग भी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल के लिए नई रेसिपी के लिए आपके सामने ज़रूर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।